सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वैगाबोंड डॉक्टर। आज का डेट है 19 संडे और एक कंसेप्ट चालू किया था थाना पुलिस और कल्याण डोमिनी पुलिस मिलके ऑफ हैप्पी स्ट्रीट। ये कंसेप्ट यहाँ के सबर्ब्स के लिए न्यू है, बॉम्बे के लिए न्यू नहीं है। पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ इश्यूज लोगों ने फेस किया था, टू मेक देम अवेयर ऑफ हेल्थ, अपने तबीयत और अपने सेहत कितना इंपॉर्टेंट है जानने के लिए हैप्पी स्ट्रीट करके चालू किया हुआ है। तो अब हम चलेंगे वहाँ और देखेंगे और इंजॉय करेंगे। लेट्स गो। Feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. सो फ्रेंड्स, हैप्पी स्ट्रीट में आई हैव मेट सर्प मित्र। दे आर हेल्प पीपल आउट। जब सांप रहते हैं पब्लिक डर जाते हैं और मारते हैं उनको। सो दे मेक यू अवेयर कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, और इन केस अगर ऐसा कुछ इश्यू होता है यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट देम। आई विल गिव यू द नंबर ओवर हियर। सो ओवर टू मिस्टर सौरभ और उनकी टीम है, वी स्पीक टू देम। हम लोग सेवा डोंबिवली करके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, एनजीओ है हमारा और निसर्ग विज्ञान संस्था, ये दो एनजीओ हम लोग यहाँ पे कल्याण डोंबिवली में हम लोग स्नेक रेस्क्यू और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का काम करते हैं। तो आज हैप्पी स्ट्रीट में आने का हम लोग का ये इवेंट में पार्टिसिपेट करने का वजह ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो, क्योंकि हर एक एरिया में स्नेक दिखे जाते हैं, हर एक एरिया में वाइल्ड लाइफ आता है, तो उनको पता नहीं चल रहा कि उसको कैसे ट्रीट करना है या फिर उसको कैसे बचाना है। तो हम लोग यहाँ पे आए ताकि लोगों तक हम लोग पहुंच सके और जो एनिमल है उसको हम लोग हेल्प कर सके, जो रेप्टाइल है उसको हम लोग हेल्प कर सके। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। हम लोग का पेज है सेवा डोंबिवली करते इंस्टाग्राम पे, और 9892444305 ये सेवा का सेवा पे हम लोग का नंबर है रजिस्टर्ड। तो इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके हमारा हेल्पलाइन नंबर पे हम लोग आपको रेस्क्यू प्रोवाइड करेंगे। तो रेस्क्यू आके आपके यहाँ पे आके जो रेप्टाइल है उसको रेस्क्यू कर लेगा, और जो कल्याण डोंबिवली या फिर भिवंडी थाना जिला में जो भी स्नेक बाइट्स होते हैं, जो भी स्नेक बाइट के केसेस होते हैं, तो पेशेंट को पता नहीं रहता है कि कहाँ पे जाए, कहाँ कौन से हॉस्पिटल में हम लोग अप्रोच करें या फिर फर्स्ट एड क्या लेना है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं। कुछ हम लोग के सीनियर्स है जो इस फील्ड में बहुत साल से है, तो हम लोग उनको उनका कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं। कुछ डॉक्टर्स है उन लोग का नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो दे विल गाइड देम टू हाउ टू डू द फर्स्ट एड फर्स्ट व्हेन इफ एनी स्नेक बाइट हैपेंस। तो उसके बारे में हम लोग उनको जानकारी देते हैं। डॉक्टर श्रुति पत्की एंड डॉक्टर विनीता खानविलकर, हम लोग यहाँ आए हैं आपको बताने के लिए सीपीआर के बारे में। सीपीआर है संजीवनी विद्या, संजीवनी प्रक्रिया। कार्डियक अरेस्ट जब भी आता है, तो कार्डियक अरेस्ट आता है तो आपका हृदय बंद पड़ता है। हृदय का काम है सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करना। अगर हृदय बंद पड़ गया और यहाँ से ब्रेन तक बॉडी ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, तो ब्रेन बंद पड़ सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। और इस टाइप इस समय पे हमें सीपीआर की प्रोसेस करनी है। एक चीज याद रखें, अगर इंसान बोल रहा है अच्छे से, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी सांसें चालू है, तो आपको उसको सीपीआर देना नहीं है। सीपीआर आपको कैसा देना है ये डॉक्टर श्रुति आपको बताएंगे। थैंक यू। तो सीपीआर देने से पहले ये तीन चीजें कंफर्म करना जरूरी है कि इंसान बिल्कुल भी होश में नहीं है, बेहोश है, मतलब मृत अवस्था में है, कोई रिस्पांस नहीं है। तो शोल्डर्स को टैप करके देखना है कि कोई वो रिस्पांस दे रहा है या नहीं, सांसें उसकी नहीं चल रही है और शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, नो रिस्पांस, नो ब्रीदिंग और कोल्ड बॉडी। अगर ये तीनों आप कंफर्म करते हो तो सीपीआर शुरू करना है।
अगर इन तीनों में से कोई भी जवाब हाँ है, सांसें चल रही हैं, होश में है और शरीर गर्म है, तो सीपीआर शुरू नहीं करते हैं। सीपीआर शुरू करने के समय हम पहले घुटनों के बल खड़े होते हैं, बैठना नहीं है। हम आपको अभी दिखाते हैं। सबसे पहले तो फोन करना है एम्बुलेंस के लिए, याद रख लो, अपना फ्रेंड्स को फोन करने करके टाइम वेस्ट मत करो, फोन करो एम्बुलेंस के लिए, फिर खाली चालू करेंगे सीपीआर। तो बेसिकली सीपीआर शुरू करने से पहले देखना है कि होश में है या नहीं। हेलो हेलो, ठीक हो ना? ठीक है क्या? ये चेक करना है, ये इंसान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसकी सांसें नहीं चल रही है। अब हमको क्या करना है? सीपीआर 108 एम्बुलेंस को फोन कीजिए और सीपीआर शुरू कीजिए। सीने सीपीआर देने से पहले सीने के सेंटर में हाथ रखना है और हमको सीपीआर देते समय 5 सेंटीमीटर छाती को अंदर दबाना है और पूरा बाहर ले आना है। 100 to 120 पर मिनट के स्पीड से हमको कंप्रेशन देने हैं, कुछ इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह 30 के सेट में आपको 5 या 6 बार करना है, जब तक आप थक जाओगे फिर कोई दूसरा टेक ओवर करेगा। और जब तक मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है, हम डॉक्टर की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक ये प्रोसेस करनी है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट करके छोड़ दो, ऐसे नहीं करना। माउथ टू माउथ का जो रेस्पिरेशन टेक्निक्स है, ये हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं। आज अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम सिर्फ हैंड्स ओनली सीपीआर सिखा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द लाइफ सेविंग मेथड सीपीआर। अगर आपको सीखना है तो इनके डेमोंस्ट्रेटिंग क्लासेस भी होते हैं, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आई विल गिव द नंबर ओवर हियर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट देम। चलो चलते हैं आगे के स्टेशन पे, लेट्स गो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। और द रजनी फैन, डोंट मिस द चांस, और द रजनी फैन, डोंट मिस द चांस। क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गायको, मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा, जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो, घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। लगा गई, कोकोनट में लस्सी मिला गई, आ जाओ सारा
से मूड बना के पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के रजनी कौन बोलता है कि आज के यंग जनरेशन्स दे आर ओनली ग्लूड टू कंप्यूटर लैपटॉप्स इंस्टा फेसबुक. यहाँ कुछ लोग ऐसे मिले हैं दे आर फ्रॉम द एनसीसी कैडेट एनएसएस ओके ऑफ सो वी मीट देम. एनीबडी वांट्स टू स्पीक समथिंग यहाँ पर काफी सारा एंजॉयमेंट किया, स्ट्रीट प्ले किया, योगा सेशन किया है, जुम्बा ट्रेनिंग वगैरह भी करना था बट टाइम नहीं, अभी हमें जाना है. तो थैंक यू सो मच एंड होप सो आपको पसंद आए. थैंक यू एवरीवन एंजॉयिंग. तो फ्रेंड्स हम लोग हैप्पी स्ट्रीट पे मिल रहे हैं आज हिरकनी ग्रुप अ साइक्लिस्ट ग्रुप ऑफ डोंबिवली. तो आज उनसे जानेंगे हम उनके लीडर से व्हाट इज दिस ग्रुप और अगर आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हो. ओवर टू मैडम. नमस्कार. हिरकणी ग्रुपचे मी मणीषा जयवंत सुर्वे आणि माझ्या मॅडम बहीण सुलेखा गटकर. आम्ही दोघींनी मिळून हिरकणी ग्रुप चालू केलेला आहे सायकल क्लब महिलांच्या फिटनेससाठी. हिरकणी सायकल क्लब 1 डिसेंबरला आम्ही ओपनिंग केलं आणि आम्ही दोन बॅचेसमध्ये आम्ही वर्कआउट करतो म्हणजे सकाळी 6 ते 7 आणि संध्याकाळी 5:30 ते 6:30 आम्ही महिलांना सायकल शिकवायचं पण काम करतो. असं ग्रुपचे 300 महिला आहेत आणि रोज आम्ही वर्कआउट आणि सायकल आम्ही खूप छान आणि सगळ्यांचा महिलांचा प्रतिसाद चांगला आहे. धन्यवाद. तो अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन दे. आणि हॅलो, मला अजिबात सायकल येत नव्हती परंतु मी या हिरकणी ग्रुप मध्ये आल्यानंतर त्यांनी माझ्या सगळ्या मैत्रिणींनी मला खूप सहकार्य केलं आणि मी आज चांगल्या प्रकारे उत्तम प्रकारे सायकल चालवते. प्रत्येक गोष्टीला मी सायकलचा वापर करणार आणि करणारच. तो फ्रेंड्स अभी हैप्पी स्टे पे हम मिल रहे हैं सुहास सर. सुहास भोपी ही हैज बीन आ कोच आल्सो सिंस बिगिनिंग. इनका क्या ट्रेनिंग एकेडमी है और जानेंगे उनसे कुछ बातें इस ट्रेनिंग एकेडमी के लिए. ओवर टू सुहास सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मी सुहास भोपी स्वतः IEEE ट्रेनर आहे. इंटरनॅशनल लेवलचा कोर्स केलेला आहे. ट्रेनिंग देतो मॅरेथॉन आणि फिटनेसबद्दल ट्रेनिंग देतो. स्वतः लाँग डिस्टन्स रनर आहे. आमची ट्रेनिंग चॅम्पियन स्पोर्ट्स अँड ॲडव्हेंचर या नावाने चालते. त्याचा मी हेड कोच आहे. माझ्याकडे जवळजवळ 15-20 लोक ट्रेनिंगला येतात आणि होपफुली सगळे अजून जास्तीत जास्त लोक जॉईन करणार अशी अपेक्षा ठेवतो. ट्रेनिंगमध्ये डिफरंट डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज असतात. डिफरंट डिफरंट फिजिकल फिटनेस कंपोनंटवर वर्कआउट केलं जातं. ॲज पर द तुमच्या ॲबिलिटीज आणि कपॅसिटीनुसार तुमची इम्प्रूव्हमेंट केली जाते. सो इंटरेस्टेड पीपल कॅन जॉईन विथ अस. वी आर गिविंग द ट्रेनिंग ॲट द KDMC ग्राउंड. थँक यू. So enjoying this happy street? Yeah! What? Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Start. Saving soil is as important as saving each and every life on earth because soil is the basis and the basis of the existence. And if we see that soil is already being depleted and we need to act now and save our future and our future generations. Save soil. We should write a letter to the Ministry of the Environment. Then we should, everyone you know who has actor of that. Josh and Issy.
So final pitch after 1.5 hours. Going happy from this happy street. Hope you will like this vlog. Enjoy karenge. If you like it, like, share, subscribe my channel. Till then, see you. Bye. Let's go.